दुख ऐसा शब्द आया, लेकिन सरदार जी तो हमेशा सुख और दुख समान करके चले। उनका और भी एक प्यारा गीत था, उस गीत के निमित्त ही मेरा उनसे पहला परिचय हुआ। प्रतिनिधि सभा में नागपुर में आए थे, उनके साथ पंजाब में प्रचारक रहे, आजकल जशपुर में रहते हैं रमेश जी पाध्याय, वो भी गीत गायक और ये भी गीत गायक। तो जब वो नागपुर आते थे तब पाध्याय जी नागपुर में थे, तो हमेशा इनकी एक 3 घंटे की 4 घंटे की बैठक, उसमें गीत ऐसा होता था। वो हो रहा था तब मैं नागपुर का प्रचारक था, तो वहां पहुंच गया, तो वो गीत मैंने उनसे सुना। उसकी पंक्ति आए, जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज में ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में, राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के हेतु विष को भी जिसे पान करना प्रेम से स्वीकार है। वो गाते थे तो उनकी आवाज नहीं गाती थी, उनका दिल गाता था, क्योंकि जो गाते थे वैसा उनका जीवन था, और इसलिए उनकी आंखों में आंसू भरते ही होंगे, लेकिन जो सुनते थे वो उस गीत के भाव से प्रेरित और प्रभावित हो जाते थे। ये प्रत्यक्ष जिन्होंने अनुभव लिया है उनको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये कोरा वर्णन नहीं है, ऐसा होता था, इसका कई बार मैंने अनुभव लिया है। ऐसा उनका जीवन था, और अपने सारे कर्तव्य पूर्ण करके गए, कृतार्थ होकर गए, तो उनसे क्या सीखना, यही विचार हमको करना चाहिए। क्योंकि जो लोग तत्व के साथ तन्मय होकर जीते हैं, संघ में एक प्रचारक होता है, वो प्रचारक उसका काम यही है, संघ जीकर बताना। घर गृहस्थी के पास में सब बातें संभव नहीं होती, प्रचारक को घर गृहस्थी नहीं होती है, इसलिए वो पूरे संघ के साथ एकाकार होके अपना पूरा जीवन एक उदाहरण स्वरूप जीवन बनाता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, उसका काम ही वो है, उसने सब छोड़ दिया संघ के साथ तन्मय होने के लिए। ऐसे आदर्श जो हमारे यहां प्रचारकत्व के हम देखते हैं, सरदार जी उसमें थे, एकदम सबको स्नेह देना, किसी के साथ उनका व्यवहार कठोर, संघस्थान छोड़ के अन्यत्र हमने नहीं देखा, संघस्थान पर तो शिक्षक को कठोर होना ही पड़ता है, लेकिन अन्य समय कोई अपना आत्मीय बिल्कुल केवल अपने अकेले की चिंता के लिए ही जो आया है ऐसा सबको वो लगते थे, मेरी ही चिंता कर रहे हैं ऐसा लगता था। बातचीत का ढंग इतना सुंदर था, कोमल था, नम्र था, मधुर था, कि जहां भी जाते थे उनका परिचय सबसे होता था, और सबके ध्यान में वो जीवन भर रहेंगे ही ऐसा उनका प्रभाव होता था। और जीवन में त्याग था, दूसरा तो कुछ था नहीं जीवन में, मन से वाचा से वाणी से कर्म से जो स्वीकृत कार्य है उसी के लिए मन वचन कर्म है, यह प्रत्यक्ष दिखता था, क्योंकि वह सहज भाव था, उनका स्वभाव था। वहां नागपुर में परिचय होने के बाद हर बार जब जब वो नागपुर में आते थे, मैं नागपुर में था तब तक तो मिले बिना जाते नहीं, तो वैसे कोई काम नहीं था, और वो मेरे से बहुत सीनियर थे, लेकिन वो खोज के आते थे कि यहां ये है तो मिलना। नागपुर मेरा छूट गया, अन्यत्र कार्य के लिए मुझे जाना पड़ा, तब वहां भी आते थे तब मिलते थे। संघ में ये गीत की बात जब मैं कहता हूं तब शायद वो विभाग प्रचारक थे, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का भी उनको दायित्व मिला,
उसके बाद सिख संगत का लंबे समय तक काम किया। इस निमित्त अखिल भारतीय बैठकों में भी उनको सुनने को मिला। बिना लाग लपट के अपनी बात रखते थे, कोई संकोच नहीं होता था, क्योंकि बोलने के पीछे केवल सद्भावना ही रहती थी। साफ साफ दो टूक बोलने के बाद भी बोलने का ढंग ऐसा था कि उनका बोलना समझ में तो आए, साफ साफ ध्यान में तो आए, लेकिन कोई अपनी गलती उनके बात में प्रकट भी हुई तो भी बुरा न लगे। ये एक जो सहज ढंग होना चाहिए संघ के प्रचारक की वाणी का, वो उनका था। हर बात में जीवन भी इतना शुद्ध, नागपुर में मिला, बैठकों में मिला, यहां विभिन्न कार्यालयों में रहते थे, तब गया लुधियाना में थे तब भी मिलके आया, अपने घर में थे तब घर में जाके एक बार मिलके आया कहीं पर। और जीवन के दो प्रकार है ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदय सविता रक्त रक्तश्चास्त मने सत, ऐसा एक सुभाषित है कि सूरज उदय के समय हो या अस्त के समय हो, लाल रंग का ही दिखता है। ऐसे किसी भी परिस्थिति में जो साधु स्वभाव के लोग रहते, सज्जन लोग रहते, उनका रंग बदलता नहीं, एक ही रहता है। उनका जीवन इसका मूर्तिमान उदाहरण। और कार्य में सतत उनकी बात जो चलती थी वो निरंतर उत्साह से चलती थी। हमारे यहां कार्यकर्ता का वर्णन करते समय एक सुभाषित का बार बार उच्चारण होता है, मुक्त संगो अनहम वादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धोर निर्विकार। किसी और बात में रस नहीं, और जो संघ ने काम दिया है उसमें भी जब तक काम दिया है तब तक रस है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। उनके काम में इतने बार बदल हुए, एक आयु होने के बाद बिना दायित्व के रहना ये भी बताना पड़ता है, तब बताने वालों को बड़ी समस्या रहती, क्योंकि जिनको बताना है वो सीनियर है, अनुभव है, जीवन है, सब दृष्टि से हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है। अब उनको कहना कि आपका कोई पद स्थान नहीं रहेगा, ये कहना कैसे, लेकिन कुछ लोगों के सामने निसंकोच होके बता सकते थे, ऐसे वो थे, क्योंकि इसमें भी उनकी कोई रुचि नहीं रहती थी। मैं क्या हूं, क्या बना हूं, मुझे क्या बनाया है, मैंने व्रत लिया है, मैं काम करते रहूंगा, दिया है, दिया जलता है, जीवन भर जलता है, लेकिन उसको बाती चाहिए और तेल चाहिए, नहीं तो नहीं जलता है। लेकिन एक रत्नदीप होता है, उसको इन दोनों की जरूरत नहीं है, वो जहां रखे वहां प्रकाश देगा, प्रकाश देना उसका स्वभाव है। अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम, सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इव उत्तमाः। ऐसे महापुरुष होते हैं जो रत्नदीप के समान, क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, कितना शरीर में बल है वगैरह कोई चिंता नहीं, वो उनका स्वभाव है, वो जहां होंगे वहां प्रकाश देंगे। ऐसा उनका जीवन था, ऐसा उनका जीवन था, वो उन्होंने परिश्रम पूर्वक बनाया था, वो तो ध्यान में आता है। हमारे यहां अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ मेड मैन, भौतिक प्रगति के लिए कहते हैं, लेकिन ये जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति है, सांस्कृतिक प्रगति है, एक सज्जन व्यक्ति बनने की तपस्या है, उसका भी परिश्रम, बहुत कड़ा परिश्रम होता है, वो कड़ा परिश्रम वो करते थे और उनके जीवन में वो सतत चलता था, ताकि देखने वाले लोग उनसे प्रेरणा ले, उनसे सीखे कैसा होना है। बड़ों के करने से एक लीक पड़ती है, उस लीक में बाकी लोग चलते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरो जना। तो उनको यह पूरा भान था कि संघ ने दिया हुआ दायित्व तो निभाना है, दिया हुआ काम करना है, लेकिन उनको यह भी पता था कि मुझे ऐसा रहना है जिससे बाद में आने वालों को जो लीक मिलती है उसमें ठोकर न लगे और उनकी भी उन्नति हो।
ऐसी लीक डालकर जाने वाले व्यक्तित्व रहते हैं, सरदार जी उसमें एक थे, और इसलिए उनके जीवन में यश ही यश है। इस लोक में तो है ही, इस लोक में उनके जाने की वार्ता सुनकर कितने ही लोगों ने ये सारा ऐसा स्मरण उनका किया होगा और आज भी करते होंगे। कुछ लोगों को यहां उपस्थित होने का मौका मिला है, लेकिन पूरे भारत में ऐसे लोग हैं। लेकिन इस लोक की बात नहीं, परलोक में भी अपनी गति को साध लिया, ये उन्होंने अपनी तपस्या से कर लिया है। उनके लिए प्रार्थना करना हमारा काम है, इसलिए हम कर रहे हैं। उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, अपने तपोबल से उन्होंने वो स्थान प्राप्त किया है। लेकिन हमारे लिए श्रद्धांजलि क्या होगी? तो उनके उन गुणों का हम अनुकरण करें, वैसा बनने का प्रयास करें। रात दिन ध्येय की चिंता, देश की चिंता, सबके प्रति स्नेह, किसी के प्रति कठोर शब्द मैंने तो कभी सुना नहीं उनके मुंह से, न भाषणों में सुना न गपशप में सुना, और पूरा मन उसमें लगा है। ऐसे हमारे सबके बहुत प्रिय और सबको अपना प्रिय बनाने वाले चिरंजीव सिंह जी, उनका पार्थिव नहीं है लेकिन उनके जीवन का उदाहरण हमारे सामने है। स्मारिका पुस्तिका बनाने की बात की है, वो होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन आंखों के सामने से ओझल हो गया। हमने देखा इसलिए हमको पता है, उनको नहीं देखा ऐसे लोग आएंगे, उनके सामने भी ये जीवन रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही है जो व्यक्ति का, समाज का, देश का और दुनिया का उद्धार करता है। जिन्होंने ये व्रत लिया है धर्म के हेतु जीना है, उन सबको अपना जीवन ऐसा बनाने के लिए अपने जैसे लोग परिश्रम करके कैसे हुए, इसका एक उदाहरण चाहिए, इसलिए वो स्मृति ग्रंथ बनना चाहिए। वो हम देखें, हमारे सामने तो वो आचरण करके गए, हमको पता है। हमारा काम बनता है कि मन से, शब्दों से श्रद्धांजलि देने के साथ साथ कृति से भी हम उनके ध्येय का, उनके जीवन का, उनके तरीके का अनुसरण करें, अनुकरण करें, और उस कार्य को हम सफल बनावे। वो तो वहां भी इसी की चिंता करते होंगे, और आना पड़ेगा तो जरूर आएंगे, क्योंकि मुक्ति की इच्छा नहीं करते संत लोग, मुक्ति की इच्छा नहीं करते, भगवान को एक ही मांगते हो, सत्संग मांगते हो, और तुम्हारे काम में जो दोगे वो करूंगा, ऐसा ही कहते, ऐसा उन्होंने भी कहा ही होगा, परंतु उनको आने का काम क्यों पड़े? उन्होंने हमारे सामने जीवन दिखाया, जीवन व्यवहार करके गए, हम पर कोई दायित्व रखकर गए हैं, उसको निभाने के लिए वैसे ही जीवन का वरण हम सब लोग करने का संकल्प आज वरण करें, तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होती, ऐसा मुझे लगता है। उसी भाव से उनके स्मृति में मैं अपनी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ।